Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जन्म होते ही कई लोगों को खा गया था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण लंकापति रावण का ऐसा भाई था जिसे पता था कि प्रभु श्री राम साक्षात नारायण का अवतार है, और उसने रावण को समझाया भी था वो जो कर रहा है वो गलत है। फिर भी रावण ने उसकी बात नहीं मानी और इसका नतीजा जो हुआ वो सब जानते हैं। कुंभकर्ण के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब उसका जन्म हुआ था तो वह कई लोगों को खा गया था। इसके बाद सभी देवता बहुत भयभीत हो गए और उन्होंने इंद्र से इसके मदद मांगी। इस पर जब इंद्र ने कुंभकर्ण से युद्ध किया तो कुंभकर्ण जीत गया। कुंभ अर्थात घड़ा और कर्ण अर्थात कान। बचपन से ही बड़े कान होने के कारण उसका नाम कुंभकर्ण रखा गया। वे विभीषण और सुपर्णखा का बड़ा भाई था। बचपन से ही उसमें बहुत बल था। एक बार वह जितना भोजन करता था उतना कई नगरों के प्राणी मिलकर भी नहीं कर पाते थे। कुंभकर्ण का विवाह विरोचन की बेटी वज्रज्वला से हुआ था। इसके अलावा कर्कटी भी उनकी पत्नी थी। इन दोनों से उसे 3 बच्चे थे। कर्कटी राक्षसी सुहाद्री की राजकुमारी थी, जिस पर मुग्ध होकर कुंभकर्ण से उससे शादी कर ली थी, जिससे भीमासुर का जन्म हुआ था। कुंभकर्ण का एक तीसरा विवाह भी हुआ था। ये विवाह कुंभकुर के महोदर नामक राजा की बेटी तड़ितमाला से हुआ था। वज्रज्वाला से 2 बेटे थे, उनके नाम कुंभ और निकुंभ थे। निकुंभ काफ़ी शक्तिशाली था, उसे कुबेर ने निगरानी का खास दायित्व सौंपा था। राम रावण के युद्ध के समय जब कुंभकर्ण को बलपूर्वक जगाया गया और उसे कारण बताया गया तो उसने बड़े भाई रावण को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि उसने गलत काम किया। इसके बाद भी उसने युद्ध में भाई का साथ दिया। वह वानर सेना के कई योद्धाओं पर भारी पड़ा था। अंततः भगवान श्री राम ने उसका अंत कर उसे मोक्ष प्रदान किया।